नहीं, बनिया वोटर परंपरागत भाजपा का वोटर रहा है। उपचुनाव में अगर कोई बनिया कार्ड खेलना चाहा है तो बनिया उसको मुंह तोड़ जवाब दे। प्राथमिकता यहाँ सिंचाई की जो समस्या है उसको हम पूरा करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास कुछ बाकी रहा है, विद्युतीकरण का काम जो कुछ बाकी रहा है उसको हम पूरा करने का कोशिश करेंगे। नरेंद्र मोदी जी, आप सुने हैं होंगे कि मन की बात में तारापुर का नाम लिए थे। जलियांवाला बाग से कम प्रिजन नहीं होना चाहिए। तारापुर में भी उससे ज़्यादा लोग की मृत्यु हुई थी, शहीद हुए थे। जो भी उम्मीदवार अभी आए हुए हैं सब बाहरी हैं, कोई अमेरिका से आए हुए हैं, कोई भागलपुर से आए हुए हैं, कोई जम्मू से। स्थानीय उम्मीदवार मैं ही हूँ और सब दिन हम यहाँ चाहे कोई भी जात हो सबका सेवा हम करते आए हैं। 30 अक्टूबर को तारापुर विधानसभा में चुनाव है। जदयू से प्रत्याशी हैं राजीव सिंह जी, हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कैसी जीत मिल रही है और जनता का कितना समर्थन मिल रहा है। जनसंपर्क भी कर रहे हैं आप। सबसे पहले तो आपका बिग न्यूज में स्वागत है। जी आपका भी स्वागत है। क्या लग रहा है? लग रहा है हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि हमारी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि पहले भी हम विधानसभा चुनाव लड़े हुए हैं और मेरा कार्यकर्ता मजबूती से मेरे साथ है। और जितने जाति और धर्म के लोग हैं, खास करके तारापुर विधानसभा में, उनकी ये मानसा थी कि तारापुर से एक बार राजीव कुमार सिंह विधायक बने। आज हम चुनावी मैदान में हैं और उनकी मंशा पर हम खड़े उतरेंगे और हमारी जीत सुनिश्चित होगी। सर, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों का कितना साथ देखने को मिल रहा है? जिस गांव जाते हैं उस गांव में हमको 100% के लगभग जो है जनता मेरे पीछे आती है। जनता आगे चली जाती है और हम पीछे चला जाते हैं। जीत के लिए सुनिश्चित कराने के लिए वो कदम से कदम मिला करके हमारे साथ चलती है। मुद्दे क्या हैं, किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव? मुद्दा नहीं, यहाँ नीतीश कुमार जी विकास इतना ज़्यादा इतना किए हैं कि यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ यही है कि राजीव कुमार सिंह विधायक बने तारापुर का, लग रहा है इस बार। और जैसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर बनिया वोटर जो हैं, बनिया समाज के जो वोटर हैं वो उनके तरफ भागेंगे, आप क्या क्या कहना है? नहीं, बनिया वोटर परंपरागत भाजपा का वोटर रहा है और हम लोग जदयू से यहाँ जो है लगातार जीत दर्ज तीन बार कर चुकी है। ये तो उपचुनाव है। उपचुनाव में अगर कोई बनिया कार्ड खेलना चाहा है तो बनिया उसको मुँह तोड़ जवाब देगी कि गठबंधन के साथ रहेगी। जीत जाते हैं अगर जनता साथ देती है आपके अनुसार, तो क्या लगता है क्या किस मुद्दे को लेकर आप उनके पास जाएंगे या फिर क्या विकास का आपका प्राथमिकता क्या होगा? प्राथमिकता यहाँ सिंचाई की जो समस्या है उसको हम पूरा करेंगे। महानय बियर है संग्रामपुर में, जिसके चलते सिंचाई में थोड़ी कठिनाई होती है, तो उसको हम पूरा करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास कुछ बाकी रहा है, विद्युतीकरण का काम जो कुछ बाकी रहा है उसको हम पूरा करने का कोशिश करेंगे। तारापुर की धरती और क्रांतिकारी धरती रही है, लेकिन जिस तरह से तारापुर को सम्मान मिलना चाहिए था पूरे देश के पटल पर, उस तरह से सम्मान नहीं मिल पा रहा है। आपके तरफ से इसके लिए मैं जो सम्मान कर है मिलना चाहिए था वो मिल रहा है। अभी आपने देखा कि यहाँ जो शहीद स्मारक है, शहीद स्मारक में जो है पहले तो मुनाजिर हसन साहब भवन निर्माण मंत्री थे, उनके द्वारा भवन भी बनाया गया। नरेंद्र मोदी जी, आप सुने हैं होंगे कि मन की बात में तारापुर का नाम लिए थे और वहाँ से ही यहाँ पर मतलब जो है विकास की काम, शहीद स्मारक के विकास की में काम होने जा रहा है। मूर्ति भी स्थापित होने जा रही है, मूर्ति भी आ गई है और जो थाना परिसर में है उसको जलियांवाला बाग से कम प्रिजन नहीं होना चाहिए। तारापुर में भी उससे ज़्यादा लोग की मृत्यु हुई थी, शहीद हुए थे, इसलिए तारापुर का नाम भी रोशन करवाने में जो सबसे ज़्यादा होगा वो हम मदद करेंगे। यहाँ पर आप मजबूत पक्ष हैं, विपक्ष में भी जो है तीनों मजबूत हैं, और लोजपा से भी हैं, राजद से भी हैं और फिर कांग्रेस से भी हैं, तो क्या लगता है किस तरह से इस मुकाबला होगा इस चुनाव में? मुकाबला कुछ नहीं है, एक तरफा मुकाबला है। हम जीतेंगे और बहुत वोट से जीतेंगे। जो भी उम्मीदवार अभी आए हुए हैं सब बाहरी हैं, कोई अमेरिका से आए हुए हैं, कोई भागलपुर से आए हुए हैं, कोई जम्मू से। स्थानीय उम्मीदवार मैं ही हूँ और सब दिन हम यहाँ चाहे कोई भी जात हो सबका सेवा हम करते आए हैं, इसलिए हम जीत के प्रति 100% आश्वस्त हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव सिंह जी। जैसा सुना आपने इनको कि
पूरी आश्वस्त हैं कि पूरी तरीके से कि इस बार जो है काफ़ी मत से ये जीतेंगे, क्योंकि इससे पहले जो है जदयू की विधायक थे यहाँ पर मेवालाल चौधरी जी, उनका निधन हुआ था, उनके जगह पर ये अब उपचुनाव हो रहा है, तो यहाँ पर से प्रत्याशी बनाए गए हैं राजीव सिंह जी। अब बहरहाल देखना यह होगा कि उनको कितना वोट मिल पाता और कितने मतों से ये जीत हासिल करते हैं। अश्विनी कुमार, बिग न्यूज़, तारापुर।